वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम और कुछ नया सीखें द सन जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि सन राइज हो रहा है हमें जो लाइट मिलती है वो भी सन से मिलती है जिसे हम सनलाइट कहते हैं तो हमारी जो अर्थ है उसमें जो लाइफ पॉसिबल है वो सन के वजह से पॉसिबल है द सन इज ह्यूज बॉल ऑफ फायर एंड हॉट गैसेस दिस मेक्स इट्स क्लो द सन इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी इट प्रोवाइड्स द अर्थ विथ हीट एंड लाइट द सन इज हंड्रेड टाइम्स बिगर देन द अर्थ विदाउट द सन देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ सो सन जो है वो बहुत ही ब्राइट होता है हीज बॉल ऑफ फायर एंड गैसेस हमारा जो अर्थ होता है वो सन के चारों ओर रोट रेवल्यूशन करता है इसलिए जो ईयर होता है चेंजेस इन सीजन होते हैं वो ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ होता है सन जो है वो टू पार्ट से मिलकर बना है वन जो सेंट्रल पार्ट होता है सन का उसे बोलते हैं कोर इट इज वेर द गैसेज मिक्स टू गिव ऑफ

सन को देखने के लिए मना करते क्योंकि सन से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं सन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और सन हमारे सोलर सिस्टम में सेंटर पे होता है सन जो है इस सन वो क्या है एक स्टार है उसके पास अपनी खुद की लाइट होती है जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं गोल गोल घूमते हैं उसी तरीके से हमारा अर्थ भी एक प्लानट है और हमारे सोलर सिस्टम में सन सेंटर पे है और जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूमती है और अर्थ के चारों ओर उसका नेचुरल सैटेलाइट मून होता है जो घूमता है उसके चारों ओर सन जो है वो हमें डायरेक्शन फाइंड करने में भी हेल्प करता है द सन हेल्प्स इन फाइंडिंग द फोर डायरेक्शंस देयर आर फोर मेन और कार्डिनल डायरेक्शन दैट इज नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट द डायरेक्शन हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस ऑन अर्थ सो सन ईस्ट में राइज होता है और सेट होता है वेस्ट में तो हमें ऐसा लगता है कि जो सन है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है लेकिन ऐसा होता नहीं है जो मूव करता है वो होती है अर्थ सन तो एक ही जगह रहता है जो अर्थ होती है वो स्पिन करती है सन के एराउंड लाइक अ टॉप जैसे गोल गोल लट्टू घूमता है उस तरीके से जो हमारा प्लानट है अर्थ वो सन के अराउंड घूमता है और सन जो राइज होता है एवरी डे होता है ईस्ट ईस्ट से और सेट होता है वेस्ट में वेन यू फेस द सन इन द मॉर्निंग द नॉर्थ इज ऑन योर लेफ्ट साइड

मैथ्स ऑल्सो हेल्प टू मेजर द डिस्टेंट बिटवीन प्लेसेज ऑल मैथ्स यूज सम सिम्बल्स टू डिपेक्ट इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर कुछ सिम्बल हैं जैसे एयरपोर्ट हॉस्पिटल पार्किंग इस तरीके से सिम्बल्स होते हैं अब सन जो माइटी सन जो हमारा होता है वह हमारे सोलर सिस्टम का मेन पार्ट होता है क्योंकि यही हमारे सोलर सिस्टम में सेंटर में होता है और इसी के अराउंड अदर एट प्लैनेट्स जो होते हैं सारे एट प्लैनेट्स वो इसके चारों तरफ ही घूमते हैं और सन इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू अर्स इट गिव्स लाइट इट गिव्स हीट इसी वजह से तो विंटर में हमें हीट मिलती है जिसके वजह से यहाँ पे बहुत ठंड नहीं होती है नहीं तो हम जम जाएंगे विंटर्स में और प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट टू प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्योंकि प्लांट्स को वाटर के अलावा सॉइल के अलावा ज़रूरत होती है अपने फूड बनाने के लिए सनलाइट की और इट हेल्प्स तो टू इवरेट सी वाटर टू तो मेक सॉल्ट जो सी वाटर होता है वो सॉल्टी वाटर होता है लेकिन हमें सॉल्ट बनाने के लिए सन में सी वाटर को ड्राई करना पड़ता है उससे ड्राई होता है और हमें सॉल्ट मिलता है वी गेट विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट राइपेंस फ्रूट इट्स लाइफ गिविंग इट किल्स जर्म्स ड्राइज आवर वेट क्लोथ्स इट इज द ऑल सोर्स ऑफ एनर्जी इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल सोलर एनर्जी कैन बी यूज टू ऑपरेट मैनी गैजेट्स तो सोलर एनर्जी से हम बहुत सारे गैजेट्स यूज़ कर सकते हैं जैसे सोलर एनर्जी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है जैसे सोलर कुकर में फूड के लिए विंड मिल्स हो गए इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम सोलर एनर्जी के थ्रू यूज़ कर सकते हैं और सोलर सोलर का जो सोल आया है वो लैटिन नेम सन का जो होता है वो होता है सोल जो एक रोमन गॉड का नाम था सोल ये सन जो है उसी का लैटिन नाम होता है सोल उसी से बना है सोलर और उसी से आया है सन की एनर्जी सोलर एनर्जी द सन इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम आपने देखा होगा कि वेजिटेबल्स को ड्राई करना है या पिकल्स बनाते हैं तो उसमें मैंगो या अदर वेजिटेबल्स को जब हम ड्राई करते हैं तो उसको हम सन में लगते रखते हैं ताकि उसमें से जो वाटर है वो निकल जाए और वो ड्राई हो जाए जब कोई चीज़ निकल ड्राई हो जाती है वाटर तो निकल जाता है तो वो सेफ़ हो जाती है क्योंकि उसमें फिर बैक्टीरिया जर्म्स होने का जो बैक्टीरिया वगैरह है वो होने का जो रिस्क होता है वो एकदम कम हो जाता है इसलिए पिकल्स वगैरह को पहले ड्राई किया जाता है सनलाइट में और जो सन होता है वो स्टार होता है स्टार्स हैव देयर ओन लाइट और इसी वजह से जो अदर प्लैनेट्स हैं वो सन से लाइट लेते हैं और स्टार्स जो हैं सन भी एक स्टार है और स्टार भी है लेकिन स्टार्स ट्विंकल करते हैं लेकिन सन नहीं करता है क्योंकि सन हमारे अर्थ के पास है और जो स्टार्स हैं अदर स्टार्स वो काफ़ी दूर हैं इस वजह से जब उनकी लाइट अर्थ पे आती है तो क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर के लेयर्स में हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है जो हमारे अर्थ के चारों एटमॉस्फेयर होता है उसमें मूविंग कलर होती है उसके थ्रू लेयर्स के थ्रू पास होती है इनकी लाइट इनकी स्टार्स की लाइट